संभल चंदौसी में हवा को जहरीला कर रही फर्जी मोबिल ऑयल बनाने वाली फैक्ट्री पर बीजेपी युवा जिला अध्यक्ष का कॉलोनी के लोगों के साथ छापा। संभल हाईकोर्ट और सरकार इस वक्त वायु प्रदूषण को लेकर काफी चिंतित है। वाहनों से निकलने वाले काले धुएं और फैक्ट्रियों में से जलने वाले ईंधन ने इस वक्त सांस लेने वाली हवा को प्रदूषित कर रखा है। ऐसा ही एक मामला जनपद संभल के चंदौसी घुमथल रोड का है, जहां इनोक रिफाइनरी वाहनों से निकलने वाले काले खराब मोबिल ऑयल को जलाकर उसमें केमिकल मिक्स कर उसको सफ़ेद रंग का बनाकर उसको दोबारा गाड़ियों में यूज करने के लिए बनाकर बेचती है। इस फैक्ट्री में रोजाना 30,000 लीटर गाड़ियों से निकला पुराना यूज्ड मोबिल ऑयल को रिफाइन कर उसको दोबारा गाड़ियों के इंजन में डालकर बनाया जाता है। जिला अध्यक्ष विशाल चौहान ने इसकी सूचना आला अधिकारियों को दी और फैक्ट्री मालिक से सारे क्षेत्र में बदबू आने और हवा को प्रदूषित करने की बात कहकर फैक्ट्री में चल रहे काम को बंद करने की अपील कही। वही मौके पर आए SHO ने फैक्ट्री मालिक से फैक्ट्री किस मानकों के अनुरूप चल रही है कागज मांगे, तो फैक्ट्री मालिक ने SHO को आधे अधूरे कागज दिखाए जिसमें फैक्ट्री में चल रहे कार्य की प्रदूषण विभाग का कोई प्रपत्र नहीं था। फैक्ट्री में क्षेत्र के लोगों के साथ पहुंचे बीजेपी युवा जिला अध्यक्ष फैक्ट्री मालिक से बात ही कर रहे थे कि फैक्ट्री में बने मोबिल ऑयल के बड़े टैंक में अचानक भीषण आग लग गई, जिसको भारी मशक्कत से फैक्ट्री के कर्मचारियों ने आग पर रेता डालकर और पानी डालकर बड़ी मुश्किल से बचाया। मोबिल ऑयल की फैक्ट्री चल रही है, आप ऑनर हैं उसके? जी सर, नितिन अग्रवाल जी। तो क्या मामला है, यहाँ पर क्या बन रहा है? सर, हम पुराने तेल को खरीदते हैं और पुराने तेल को प्रोसेस करके वो साफ करते हैं। फिर वो साफ मोबिल कहाँ जाता है? सर, साफ मोबिल फैक्ट्रियों में जाता है लुब्रिकेशन के लिए, जो बड़े बड़े गियरबॉक्स वगैरह होते हैं, पंप वगैरह होते हैं, उनमें लुब्रिकेशन के लिए। अच्छा, मोटर व्हीकल में भी पड़ता है ये? मोटर व्हीकल में वो कंपनियों का पड़ता है, ये वाला नहीं पड़ता। अच्छा, मेरे यहाँ कोई ब्रांड नेम से पैकिंग नहीं होती, केवल बल्क में माल जाता है। कितनी क्षमता रखने का आपका है यहाँ पर लाइसेंस? मेरे पास लाइसेंस है सर 30 KL का, 30 KL का। 30 KL जब आपने फायर विभाग से NOC ले रखी है? सर, फायर विभाग से NOC ले रखी है, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से NOC ले रखी है। मगर मौके पर तो अभी पुलिस भी आई थी और जिला अध्यक्ष भी आए थे BJP के, उनको तो आपने दिखाया नहीं? सर, मैंने अभी पॉल्यूशन की NOC में दिखा दी। ये तो मना कर रहे हैं कि पॉल्यूशन नहीं है? मना कर रहे हैं, पता नहीं क्यों मेरे हाथ में, यदि आपको तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। दिखा दीजिए। 6 माह से एक पॉलीथीन जलने की और कोलतार जलने की स्मेल आती थी। पीछे एक चंदौसी ग्रीन सोसाइटी है, सभी लोग उधर रहते हैं, लगभग 200 परिवार वहाँ रहते हैं। तो हमने इसकी शिकायत उपजिलाधिकारी महोदय से लगभग 1 हफ्ते पहले की थी और उनसे भी, यहाँ थाना अध्यक्ष से भी की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। आज भी वही स्थिति थी, तो हम सब लोग कॉलोनी वासी सब इकट्ठे होकर आए, कारण इसका जानना चाहा। जब आकर अंदर देखा तो यहाँ लगभग हज़ारों ड्रम यूज्ड मोबिल ऑयल को जलाया जाता है, उससे पता नहीं ये क्या उसको करते हैं, लेकिन इससे इतना हानिकारक धुआं निकलता है, वो सब हम लोगों के वहाँ पहुँच रहा है। आप ये लगे जो मटेरियल, जो रेजिड्यू है मोबिल ऑयल, जो यूज्ड मोबिल ऑयल है, उसको ही जलाया जा रहा है। इतना खतरनाक, स्वास्थ्य के लिए कितना खतरनाक होगा, कितना घातक होगा। बच्चे, परिवार, सभी लोग यहाँ आसपास, गांव भी हैं तमाम तरह की, जहाँ पराली जलाने तक पर रोक है, सुप्रीम कोर्ट सख्त है, सरकार सख्त है, वहाँ इस तरह की खुलेआम, वहाँ 30,000 लीटर पर डे तेल यहाँ जलाया जाता है मोबिल ऑयल, यूज्ड मोबिल ऑयल। सोचिए क्या हालत होगी यहाँ के स्वास्थ्य की। यहाँ के मालिक साहब ने बात की, उन्होंने क्या बताया आपको? उन्होंने, वो उनका कहना, वो तो व्यापार कर रहे हैं, उनको इस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ता है। हमने, लेकिन फ़र्क तो हम लोगों पर पड़ रहा है, हम लोगों के स्वास्थ्य। 30,000 लीटर मोबिल ऑयल यूज्ड जलाया जाएगा तो उसका धुआं जब जाएगा आसपास, तो उसकी क्या स्थिति होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। खुलेआम नियमों का उल्लंघन है, जो NOC दी गई है, नियमों को ताक पर रख कर दी गई हैं। जो भी यहाँ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से या किसी भी उससे करेक्ट किया गया, सब कुछ यहाँ नियमों कानूनों को ताक पर रखकर किया गया है। ये NOC मिली आपको? फायर ब्रिगेड की NOC हमें ये लोग नहीं दिखा पाए, क्योंकि अवेलेबल नहीं थी। अभी सबके सामने ही आग लग गई, तो बड़ी मुश्किल से मिट्टी विट्टी डाल के उन लोगों ने, वर्कर ने आग को बुझाया। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसको कैसे परमिट मिल गया, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। लोगों के स्वास्थ्य के साथ पर्यावरण विभाग ने अगर इनको कोई NOC दी है, तो लोगों के स्वास्थ्य के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ किया है। जब पराली तक पे रोक है, किसानों को सजा हो जा रही है, वहाँ इस तरह से 30,000 लीटर पर डे तेल अगर जलाया जाएगा तो लोगों के स्वास्थ्य पर कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल भी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। 2 या 3 दिन के अंदर अगर कोई कानूनी कार्रवाई अगर नहीं होती है, तो हम सब लोग कॉलोनी वासी यहीं आकर बैठेंगे। वहाँ घुटने से अच्छा है कि हम लोग यहाँ आकर बैठें।